और अब बात करते हैं उदयपुर की, जहां दो प्राइवेट बसों के मालिकों का झगड़ा लोगों की जान पर बन गया। एक वीडियो सामने आया है, ये वीडियो रविवार का बताया जाता है, जिसमें राजगुरु ट्रेवल्स की बस उल्टी चल रही है, उसके आगे संतोषी ट्रेवल की एक और बस रिवर्स में चल रही है। ये बस टक्कर मारने की कोशिश कर रही है। लोग डर के कारण चिल्लाते रहे, चीखते रहे। टक्कर से बचने के लिए राजगुरु ट्रेवल्स के ड्राइवर को 2 किलोमीटर तक बस को रिवर्स में दौड़ाना पड़ा। इससे पहले राजगुरु ट्रेवल की बस ने हाईवे पर संतोषी ट्रेवल की बस को टक्कर मारी थी। खुलेआम सड़क पर इस तरह की हरकत होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से दोनों ट्रेवल्स में विवाद चल रहा है, जिनमें कुल 4 बसों को क्षतिग्रस्त किया गया है। दोनों मालिक पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। झगड़े के बीच राजगुरु ट्रेवल्स में 18 से 12 बसें ही रूट पर चल पा रही हैं। गोगुंदा से राजकोट रूट पर राजगुरु और संतोषी ट्रेवल की कई बसें चलती हैं। दोनों में काफी समय से कंपटीशन है। वहीं 23 जून को बलीचा में राजगुरु ट्रेवल की खड़ी बस को संतोषी ट्रेवल ने रिवर्स में लेकर टक्कर मार दी। राजगुरु ट्रेवल्स के मालिक मनोज शास्त्री ने बताया कि हम लोगों ने ड्राइवर द्वारा महज ब्रेक नहीं लगाने का हादसा मानते हुए उसे छोड़ दिया, जिसके बाद भी वो लोग हमारी बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। उधर संतोषी ट्रेवल के मालिक दशरथ पालीवाल ने कहा कि एक ड्राइवर को आगे कर शास्त्री झगड़ा कर रहे हैं, शुरुआत में उसी ड्राइवर ने धमकी दी थी। राजगुरु ट्रेवल्स के मालिक मनोज शास्त्री का कहना है कि पिछले 18 सालों से इस रूट पर बसों का संचालन कर रहे हैं, उन्हें पहले कभी इस तरह की दिक्कतें नहीं आई। उनकी गोगुंदा राजकोट और सूरत समेत कई रूट पर 18 बसें चलती हैं। संतोषी ट्रेवल्स के लोग असामाजिक तत्वों के साथ जानबूझकर तोड़फोड़ करवा रहे हैं, ताकि इस रूट पर उनका दबदबा हो जाए। पिछले 4 दिनों में उनकी 4 बसों को तोड़कर 50 लाख रुपयों का नुकसान पहुंचाया गया है। गोवर्धन विलास, गोगुंदा और सायरा थाने में रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मामले में शास्त्री ने बताया कि रविवार को सायरा उदयपुर में बस खड़ी थी, बदमाशों ने कांच फोड़े, जिसके बाद बस भी थाने के बाहर खड़ी है, रिपोर्ट दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उसके बाद शाम को फिर दूसरी बस को जसवंतगढ़ में रोकने की कोशिश की गई। रोड पर पहले एक बस को खड़ा रखा गया था। हालात को देखते हुए ड्राइवर ने 2 किलोमीटर तक बस रिवर्स दौड़ाई, जिसके बाद उदयपुर के नांदेशमा में आकर बस को टर्न लिया। बस को लेकर सायरा थाने में पहुंचे, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।